गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आप जानते हो कि आज आईएलटीएस एग्ज़ाम हुआ मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, तो हम रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मॉर्निंग स्लॉट का। जिन बच्चों ने आज मॉर्निंग में एग्ज़ाम दिया, जो एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, वो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको पता लग सके कि जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का आ रहा है, किस तरह का लेवल राइटिंग लिसनिंग रीडिंग का आ रहा है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट यानी कि लिसनिंग आज कैसी आई थी एग्जाम में। लिसनिंग में अगर हम पार्ट वन की बात करें, पार्ट वन में आपके पास फिलअप्स आए थे, वन वर्ड लिखना था, इजी आया था। पार्ट टू में शॉर्ट एमसीक्यूज और साथ ही साथ सिलेक्शन ऑफ लेटर्स आए थे, लेवल था उसका इजी। पार्ट थ्री में लार्ज एमसीक्यूज आए थे, मैथ्स था, इन्फॉर्मेशन और लेवल था उसका मॉडरेट। पार्ट फोर में फिलिप्स आई से टू वर्ड लिखना था, लेवल था उसका इजी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आज के एग्ज़ाम की लिसनिंग की, तो आज इजी आई थी। रीडिंग में देखते हैं, पैसेज वन था वो था हेल्थ इन द वाइल्ड और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फिलिप्स जो फिलिप्स थे टेबल कंप्लीशन वाले आए थे, लेवल था उसका इजी टू मॉडरेट। पैसेज टू एवोल्यूशन ऑफ साइंस, फिलिप्स आए थे सिलेक्शन ऑफ लेटर वाले, एम सी क्यूज आए थे साथ ही साथ यस नो नॉट गिवन आए थे, लेवल था उसका मॉडरेट। एंड जो पैसेज थ्री था वो था हिस्ट्री ऑफ फिंगर प्रिंटिंग के साथ रिलेटेड, और उसमें क्या कुछ आया था, मैच लाइक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स थे, फिलिप्स थे और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे, और लेवल था उसका मॉडरेट। तो अगर हम बात करें रीडिंग की, तो आज के एग्जाम में रीडिंग आई थी मॉडरेट लेवल की। नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग। राइटिंग में सबसे पहले बात करेंगे टास्क वन की। टास्क वन में पाई चार्ट आए थे, जैसे कि हमने प्रेडिक्शन में बताया ही था। द चार्ट बिलो शो द रिजल्ट्स ऑफ ए सर्वे कंडक्टेड बाय अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टू फाइंड आउट द ओपिनियन ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट अबाउट इट सर्विस। एक दिया होगा पाई चार्ट फुल टाइम का, एक दिया होगा पार्ट टाइम का। सो हाउ हैप्पी आर यू विद आईटी सपोर्टेड ऑफर्ड। तो टास्क टू पढ़ते हैं। सम मैनी पीपल बिलीव दैट टुडे देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन एंटी सोशल बिहेवियर एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि आज के दिनों में जो एंटी सोशल बिहेवियर है, जैसे गाली गलोच और गलत काम, वो बढ़ रहे हैं, और जो रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए वो भी कम होती जा रही है। वॉट माइट हैव कॉज दिस सिचुएशन, तो क्या कारण हो सकते हैं इस सिचुएशन के एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, तो सोल्यूशन भी हमने बताने हैं। तो सब जो हमने आज का एग्जाम आया था, सारे हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग आया था, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे इवनिंग स्लॉट की, जिन बच्चों ने आज एग्जाम दिया, और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को लिसनिंग और रीडिंग के आंसर्स पता तो वो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।